एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद अब ईवीएम की पहरेदारी शुरू हो गई है। खास तौर पर कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है। इसी कड़ी में एमपी के पूर्व सीएम और राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने सिंबल लोडिंग यूनिट एसएलयू को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का आरोप है कि राजगढ़ प्रशासन ने एसएलयू को वापस चुनाव आयोग को सौंपा है, जबकि इसे सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखना था। उन्होंने कहा कि गुना में एसएलयू स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी हुई है, लेकिन राजगढ़ में नहीं। देखिए, बात यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 23 अप्रैल को ये ऑर्डर दिया, सिंबल लोडिंग यूनिट कमिश्निंग के बाद बीईएल या ईसीआईएल को लौटाया नहीं जाना चाहिए, उसे कलेक्टर साहब के हिफाजत में अंडर लॉक एंड की स्टोर की जाना चाहिए एक बॉक्स के अंदर। बड़ा डिटेल ऑर्डर उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो इंस्ट्रक्शन निकाले उसमें उन्होंने कह दिया कि 1 मई या उसके बाद के रखे जाएंगे, बाकी के लौटा दिए जाएंगे, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है। ये मैं चेक कर रहा हूँ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्योंकि गुना में तो कलेक्टर ने तो बड़ा समझदारी से काम किया और उन्होंने कह दिया कि जब तक लिख के मुझे नहीं देंगे आप तो मैं इनको नहीं लौटाऊंगा, तो उन्होंने तो उसको अपने ट्रेजरी में रख दिया, लेकिन राजगढ़ में उन्हें वापस लौटा दिया गया। हमारी हमेशा चुनाव आयोग से शिकायत रही है कि सिंबल लोडिंग यूनिट में ही सॉफ्टवेयर क्या डाला जाता है, इस पर हमें शक है, तो इसको मैं टेकअप करूंगा। गौरतलब है कि 1 मई 2024 को चुनाव आयोग ने सर्कुलर जारी कर सभी राज्यों को निर्देश दिए थे। निर्देश में कहा गया था कि एसएलयू को चुनाव याचिकाओं के मद्देनजर 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाए। माना जा रहा है कि अब दिग्विजय सिंह द्वारा दायर की गई याचिका पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है। ऐसे में देखना है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय अब मामले में क्या निर्देश देता है, लेकिन ये तो साफ है कि अब दिग्विजय सिंह इस मामले को लेकर शांत बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे में देखना होगा कि उनका अगला कदम अब क्या होता है। दिग्गी के इस कदम से जरूर एमपी में सियासी पारा वोटों की गिनती के पहले ही अब चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।